फैक्ट नंबर एक। गाइस, आपने 5 सेकंड रूल के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी कोई खाने की चीज जमीन पर गिर जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर इसे 5 सेकंड के अंदर उठा लिया जाए तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसे खाया जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को पैदा होने में 5 सेकंड से अधिक का वक्त लगता है। लेकिन गाइस, ये 5 सेकंड वाला रूल पूरी तरह से एक मिथ है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो किसी भी चीज पर बैक्टीरिया मिनी सेकंड में अटैक कर सकते हैं, और इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि खाने का सामान कितनी देर से गिरा हुआ था, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो कहां गिरा था। हाँ, अगर सरफेस साफ है तब तो गुंजाइश है, वरना कहीं भी कुछ गिरने के बाद आप 5 सेकंड रूल का पालन ना ही करें तो अच्छा होगा। फैक्ट नंबर दो। गाइस, किसने सोचा था कि जिस देश पर अंग्रेजों ने 150 साल तक राज किया हो, आज उसी देश का एक शख्स उन अंग्रेजों पर राज करने वाला है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की, जिनका जन्म भले ही ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ हो, लेकिन उनमें एक भारतीय का ही खून है, क्योंकि ऋषि सुनक के दादा और दादी पंजाब से थे। दरअसल ऋषि सुनक खुद को हिंदू मानते हैं और वो एक कृष्ण भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने आज से 7 साल पहले भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटिश सांसद के रूप में शपथ ली थी। यही नहीं, ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में रहते हुए कोविड के टाइम ब्रिटेन के लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम भी किया था, जिससे ब्रिटेन की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। और जब फाइनली ब्रिटेन में तख्ता पलट हुआ तो ब्रिटेन के सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये सामने आ गए, और वो भी इतने अमीर कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के पास भी उनके जितनी संपत्ति नहीं है।